मिस्टर स्टार्क, वॉशिंगटन डीसी। हम वहीं से बहस शुरू करें जहां छोड़ी थी। मिस्टर स्टार्क प्लीज। हाँ डार्लिंग। क्या मेरी बात पर ध्यान देंगे? आप ही पे ध्यान है। हमें ये बताइए कि आपके पास कोई भी विशेष हथियार है या नहीं? मेरे पास नहीं है। आपके पास नहीं है? मेरे पास तो नहीं है, पर निर्भर करता है आपके हथियार शब्द का क्या मतलब। वो आयरन मैन नाम का हथियार। मेरी मशीन कोई हथियार नहीं है जनाब। फिर आप कैसे अपनी मशीन का विवरण करेंगे? इसका विवरण सीधा सीधा इसकी परिभाषा में मौजूद है। परिभाषा? ये एक उत्तम तकनीकी नकली अंग है। देखिए देखिए, मेरी मशीन का इससे बेहतर विवरण नहीं हो सकता है। ये हथियार है मिस्टर स्टार्क, आपको गलतफहमी हुई है। सच में आप इस कुर्सी पर बैठकर अमरीकी लोगों का भला सोच रहे हैं? हम सिर्फ आयरन मैन को पाना चाहते हैं और आप इस हथियार को अमरीका की जनता के हवाले। ये आप भूल जाइए, मैं ही आयरन मैन हूं। वो सूट और मैं एक ही है। उसे आपके हवाले करने का मतलब खुद को आपके हवाले करना, और अगर मैंने ऐसा किया या तो मैं आपका गुलाम हूं या फिर वैश्या। तो जो आपको चाहिए जनाब वो आपको नहीं मिल सकता। देखिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं। वैश्यागिरी में कैसे हो सकते हैं आप? सेनेटर है, कम ऑन। खोटा खोटा बाप बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन। चार जन जब करेंगे तेरी बुराई, तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है। तब भाई ओ भाई, भाई या भाई, तुम काहे खो जाए। जब जाना आगे है तो नजरे कर दे। हमें दोबारा हाथ मत लगाना। तो फिर मेरा शिकार मत लेना। तुम नहीं जानते तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। नाटक कंपनी के साइड हीरो से? क्या तुम्हारी अम्मा जानती है कि तुम उनके कपड़े चुरा कर पहनते हो? हमें आदेश मिले, हमें उनका पालन करना चाहिए। पालन वालन करना मेरी फितरत नहीं है। और फितरत ही तुम्हारे लिए सब कुछ है ना? इस कमरे में कौन ऐसा है जो पहली बात झंडा पहन के घूम रहा है और दूसरी बात न काम का न धाम का? कोई शख्स अपनी भड़ास क्यों नहीं निकाल सकता भाई? तुम अच्छी तरह जानते हो क्यों। उसे उकसाओ मत। चलो फिर उसे नहीं तो तुम्हें उकसा देता हूँ। हाँ, कवच के अंदर एक घमंडी आदमी, उसे उतार दो तो तुम क्या हो? जीनियस, करोड़पति, रोमियो, समाज सेवक। तुम उनमें से नहीं हो जो किसी के लिए अपना नफा छोड़ दे, जो अपने सीने पर गोलियां खाकर दूसरों की जान बचाए। मेरा असूल है जान है तो जहान है। स्कूल कैसे रहा? कुछ खास नहीं। अच्छा, बाहर एक धासु कार खड़ी है, वो। ओह मिस्टर पार्कर, आप यहाँ? हाय, मैं हूँ पीटर। टोनी, आप यहाँ कैसे? मिलने का सही वक्त आ गया था। तुम्हें मेरे ईमेल से मिले होंगे ना? हाँ, मिले थे। हाँ, वो किस बारे? तुमने स्कॉलरशिप का बताया नहीं। स्कॉलरशिप? हाँ। सितंबर फाउंडेशन, राइट? याद है तुमने अप्लाई किया था? हाँ, मैंने मंजूरी दे दी, अब तो तुम्हारी निकल पड़ी। पर मुझे बताना चाहिए था, ये क्या बात हुई? मुझसे सीक्रेट रखो। well, मैं जस्ट आपको सरप्राइज देना चाहता था, सोचा था मिल जाएगी तो ऐसे। ये मुझे किस लिए मिल रही है? वही तो डिस्कस करने आया। अच्छा, डिस्कस करना है। okay. मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ये किसी की आंटी हो सकती है। ए हे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ऐसा कह के आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। 5 minutes later। केक तो केक ही होता है, लेकिन आज खाने का मूड नहीं है। ओहो, ये क्या है भाई, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। पीटर पार्कर ने कुनबा जोड़ा। ये सब तो YouTube पे है ना, वहीं से आपने डाउनलोड किया होगा, क्योंकि आप तो जानते हैं ये सारे वीडियोस फेक हैं, कंप्यूटर इफेक्ट्स हैं, तो ये वीडियो फेक होते हैं। हाँ, तुम्हारा मतलब है जैसे फिल्मों में गाड़ियां उड़ाते हैं ना। ये क्या है भाई, लोड़े लग गए, लोड़े लग गए, लोड़े लग गए, लोड़े लग गए। हाँ जी, तो आप है मकड़ मानव,
जुर्म से लड़ने वाला मकड़ स्पाइडर बॉय। क्या बताऊं? I'm Spider-Man. इस बाबा सूट में स्पाइडरमैन हसम नहीं हुआ। और फिर वो किसी वल्चर की तरह मुझ पर झपटा और मुझे ऊपर उठाकर 1,000 फीट ऊपर लगेगा और मुझे छोड़ दिया। आपने मुझे ढूंढा कैसे? मेरे सूट में कोई ट्रैकर फिट है क्या? तुम्हारे सूट में बहुत कुछ फिट है और हाँ एक हीटर भी है। सही है ये तो, थैंक्स। वैसे तुम कर क्या रहे थे? वो उड़ने वाला आदमी हाईटेक हथियार बना रहा है और मुझे उसे रोकना ही होगा। ओके तुम रोकोगे उसे? हाँ ये अपनी हीरोपंथी बंद करो, उसे रोकने के लिए दूसरे लोग हैं। कौन अवेंजर? ना 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 रे, चीटी को मारने के लिए हाथी बुलाते हैं। एनीवे मिस्टर स्टार्क, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं ये सब आराम से संभाल लेता। किसने कहा तुमसे कि मैं यहाँ हूँ? शुक्र मनाओ आजकल पूरा हिंदुस्तान वाईफाई हो गया, वरना इस वक्त तक तो तुम्हारा थैंक यू गणेश जूस बन गया होता। सुनो तुम उस उड़ने वाले हैवान के बारे में भूल जाओ प्लीज। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए। सॉरी माता जी, ये आजकल के बच्चे ना। A few moments later. किसने कहा तुमसे? तुम मुझे कैप्टन अमेरिका से लड़ने क्यों ले गए थे बताओ? सच तो ये मुन्ना, अगर कैप्टन चाहता तो तुम्हें चींटी की तरह मसल देता। गजब बेइज्जती है। क्या टोनी स्टार्क वहाँ होंगे? होना चाहिए। नहीं वो मुझे वहाँ होना चाहिए। बाय। एक मिनट है तुम्हारे पास? नहीं। अरे अभी तो तुमने फोन रखा है, तुम 30 सेकंड। 29। मैं 28। मैं जब कार चला के यहाँ आ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ आकर तुमसे माफी मांग लूँ, फिर सोचा कि नहीं। ओ, तो तुम यहाँ पर माफी मांगने नहीं आए हो? नहीं, कोशिश तो अच्छा। जारी है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने हमेशा तुमसे सच नहीं कहा है तो मैं सोचा कि अपनी गलतियां सुधार लूं। और क्या मैं इसको हटा सकता हूँ? ये मुझे पागल कर रहा है और वैसे भी उल्टा घूम रहा है। तो तुम जानते हो जिंदगी कितनी छोटी है, और जो मैं कहना चाहता हूं अगर वो मैंने नहीं कहा तो, बाय द वे इस बात का एहसास मुझे भी अभी हुआ है, और ऐसा नहीं है कि मुझे परवाह नहीं है, मुझे परवाह है और मुझे तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है। देखो मैं जो कहना चाह, अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि अगर तुमने और एक बार भी मैं कहा तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, समझे? हाँ समझ। मैं कोशिश कर रही हूँ इस कंपनी को चलाने की, ये कितना मुश्किल काम है तुम्हें अंदाजा है? जानता हूं। लोग तुम्हें आयरन मैन समझकर तुम पर भरोसा करते हैं, लेकिन तुम जाने कहाँ गायब हो जाते हो और उसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है। मैं कोशिश कर रही हूँ वो काम करने की जो तुम्हें करना चाहिए। तुम मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज लाए हो? तुम्हें पता है ना दुनिया में सिर्फ एक यही चीज है जिससे मैं नफरत करती हूँ। तुम्हें स्ट्रॉबेरी से नफरत है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इतना याद था कि तुम्हें स्ट्रॉबेरी से कुछ है, ये भूल गया कि नफ। मैं चाहती हूँ, मैं भी तो तुम्हें चाहता हूँ, इसीलिए चले जाओ इसी वक्त।